दोस्तों आपके लिए एक खुशखबरी, भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है बचत प्लस। यह एक गारंटी वाला प्लान है जिसका टेबल नंबर है 861। यह प्लान आपके टैक्स बचाने के साथ साथ आपकी जिंदगी के लक्ष्यों को भी पूरा करेगा। यह प्लान सिर्फ 180 दिन के लिए लॉन्च हुआ है। चलिए हम देखते हैं इस प्लान की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह प्लान क्लोज एंडेड प्लान है, यानी कि इसके बंद होने का समय भी दिया हुआ है। यह प्लान 15 मार्च को सिर्फ 180 दिन के लिए लॉन्च हो रहा है। इस प्लान का एक्सटेंशन भी हो सकता है या यह पहले भी बंद करा जा सकता है। यह प्लान सिंगल प्रीमियम या लिमिटेड पेमेंट में ऑप्शन में लिया जा सकता है। 80C में टैक्स सेविंग के लिए रिस्क कवर प्रीमियम का 10 गुना होना जरूरी है, नहीं तो रिस्क कवर के 10% प्रीमियम पर ही 80C का टैक्स एग्जेम्पशन बेनिफिट लिया जा सकता है। उसी रेशियो में मैच्योरिटी भी टैक्सेबल हो जाती है। बचत प्लस प्लान में प्रस्तावक रिस्क कवर चुन सकता है। सिंगल प्रीमियम में 2 ऑप्शंस है, ऑप्शन अ तथा बी। ए ऑप्शन में रिस्क कवर सिंगल प्रीमियम का 10 गुना रहेगा, बी ऑप्शन में रिस्क कवर सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना रहेगा। अगर पॉलिसी रेगुलर प्रीमियम की ली है तो प्रस्तावक अपने ईयरली प्रीमियम का 10 गुना या 7 गुना रिस्क कवर ले सकता है। डेथ होने पर बेसिक सम अश्योर या चुना हुआ डेथ सम अश्योर जो अधिक होगा वह दिया जाएगा, इसलिए रिस्क कवर को हम डेथ सम अश्योर कह सकते हैं। यह मैच्योरिटी पर मिलने वाले बेसिक सम अश्योर से अलग है। अब हम देखते हैं कि बचत प्लस में रिस्क कवर कब शुरू होगा। अगर बीमित व्यक्ति की उम्र 8 साल से कम है तो 2 साल बाद या 8 साल की उम्र होने पर, जो भी जल्दी हो। अगर पॉलिसी समय उम्र 8 साल या अधिक है तो पहले दिन से रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। बचत प्लस प्लान की अन्य शर्तें भी जान लेते हैं। यह प्लान कम से कम 1,00,000 सम अश्योर का लिया जा सकता है। 9,00,000 सम अश्योर तक 25,000 के मल्टीपल में सम अश्योर लिया जा सकता है। 9,00,000 से ऊपर 50,000 के मल्टीपल में सम अश्योर लिया जा सकता है। मैक्सिमम सम अश्योर की कोई लिमिट नहीं है। इस प्लान को लेने के लिए सिंगल प्रीमियम प्लान में कम से कम उम्र चाहिए 90 दिन। अगर प्लान रेगुलर प्रीमियम है तो ऑप्शन 1 यानी 10 गुना रिस्क कवर में कम से कम 90 दिन के बच्चे का बीमा हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 2 यानी 7 गुना रिस्क कवर में कम से कम 40 साल नियर बर्थडे वाले व्यक्ति का ही बीमा हो सकता है। यह बीमा लेने के लिए अधिकतम उम्र इस तरह से है। सिंगल प्रीमियम प्लान में ऑप्शन 1 यानी 10 गुना रिस्क कवर के लिए अधिकतम 44 साल का व्यक्ति ही प्लान ले सकता है, लेकिन अगर रिस्क कवर ऑप्शन बी यानी 1.25 गुना लिया है तो 70 साल के व्यक्ति भी बीमा ले सकता है। इसी तरह अगर प्लान रेगुलर प्रीमियम है तो 10 गुना रिस्क कवर के लिए अधिकतम उम्र है 60 साल। अगर रिस्क कवर 7 गुना है तो अधिकतम उम्र है 65 साल। अब हम बाकी की शर्तें भी समझ लेते हैं। बचत प्लस प्लान की मैच्योरिटी एज कम से कम 18 साल है। अब हम देखते हैं इस प्लान में अधिकतम कितने साल तक मैच्योरिटी एज कवर करी जा सकती है। सिंगल प्रीमियम प्लान में 10 गुना रिस्क कवर के साथ अधिकतम 65 साल की उम्र तक कवर करा जा सकता है, लेकिन 1.25 गुना रिस्क कवर के साथ और भी अधिक उम्र 80 साल तक कवरेज दी जा सकती है। अगर प्लान रेगुलर प्रीमियम लिया गया है तो 10 गुना रिस्क कवर में 75 साल तक कवरेज दिया जा सकता है, लेकिन अगर रिस्क कवर 7 गुना है तो 80 साल तक की कवरेज दी जा सकती है। अब हम देखते हैं यह प्लान कितने साल के लिए दिया जा सकता है। अगर प्लान सिंगल प्रीमियम है, 10 गुना रिस्क कवर का ऑप्शन लिया गया है तो 40 साल की उम्र तक यह प्लान 10 साल से लेकर 25 साल के लिए दिया जा सकता है, लेकिन अगर उम्र 41 साल से 44 साल है तो यह प्लान 10 साल से लेकर 16 साल के लिए ही दिया जा सकता है। अगर सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन 7 गुना रिस्क कवर लिया गया है तो प्लान 10 से लेकर 25 साल टर्म तक दिया जा सकता है। रेगुलर प्रीमियम प्लान में बचत प्लस प्लान फुल टर्म यानी 10 साल से लेकर 25 साल के लिए दिया जा सकता है, उसमें कोई बंदिश नहीं है। यह प्लान LIC को होने वाले फायदे में पार्टिसिपेट करता है। बचत प्लस प्लान पूरा होने पर पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी दी जाएगी जो होगी बेसिक सम अश्योर तथा लॉयल्टी बोनस। जितने साल पॉलिसी चली है उतने साल में LIC को जो इस प्लान से फायदा हुआ है उसका एक पार्ट लॉयल्टी बोनस के रूप में पॉलिसी होल्डर को दिया जाएगा। बेसिक सम अश्योर एक गारंटी अमाउंट है जो मैच्योरिटी के समय जरूर दी जाएगी। बचत प्लस प्लान में राइडर भी उपलब्ध है। पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा राइडर है टर्म राइडर। पॉलिसी धारक अपनी जरूरत के हिसाब से राइडर ले सकते हैं। इस प्लान में भी मैच्योरिटी तथा डेथ क्लेम को सेटलमेंट के रूप में लिया जा सकता है।
बचत प्लस प्लान में भी बाकी प्लान की तरह सरेंडर वैल्यू या लोन लिया जा सकता है। अगर प्लान सिंगल प्रीमियम है तो सरेंडर कभी भी करा जा सकता है, लेकिन लोन डेट ऑफ कमेंसमेंट के 3 महीने के बाद लिया जा सकता है। अगर यह प्लान रेगुलर प्रीमियम मोड में लिया गया है तो 2 साल के पूरे प्रीमियम भरने के बाद 3रे साल में पॉलिसी को सरेंडर करा जा सकता है या इस पर लोन लिया जा सकता है। लोन भी 3रे साल में 2 साल के प्रीमियम भरने पर ही मिलेगा। सिंगल प्रीमियम प्लान की सरेंडर वैल्यू पहले साल प्रीमियम की 75% गारंटी है, अगले साल सरेंडर वैल्यू प्रीमियम की 90% गारंटी है। अब हम इस प्लान को एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए यह प्लान 10 साल के लिए 1,00,000 बेसिक सम अश्योर्ड के लिए सिंगल प्रीमियम में लिया गया है। रिस्क कवर ऑप्शन प्रीमियम का 10 गुना लिया गया है तो उसके लिए सिंगल प्रीमियम जाएगा 8 साल की उम्र के लिए ₹68,751, 18 साल की उम्र के लिए ₹71,368, 30 साल की उम्र के लिए ₹72,847, 35 साल की उम्र के लिए ₹75,554, 44 साल की उम्र के लिए 92,435, क्योंकि ऑप्शन ए लिया गया है तो डेथ सम अश्योर्ड सिंगल प्रीमियम का 10 गुना रहेगा, इसलिए डेथ सम अश्योर्ड कवर लगभग इस तरह बनेंगे। अगर हम 44 साल की उम्र के व्यक्ति का रिस्क कवर देखें तो 900,000 के डेथ कवर 10 साल तक चलेगा, सभी का 10 साल तक 10 गुना डेथ कवर रहेगा, मैच्योरिटी तथा डेथ क्लेम सब टैक्स फ्री आएगा। अब हम इस प्लान का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए यह प्लान 10 साल के लिए 5,00,000 बेसिक सम अश्योर्ड के लिए सिंगल प्रीमियम में लिया गया है। रिस्क कवर ऑप्शन प्रीमियम का 10 गुना लिया गया है तो उसके लिए सिंगल प्रीमियम जाएगा 8 साल की उम्र के लिए ₹3,20,240, 18 साल की उम्र के लिए ₹3,33,329, 30 साल की उम्र के लिए ₹3,40,722, 35 साल की उम्र के लिए 3,54,255, 44 साल की उम्र के लिए 4,38,665, क्योंकि ऑप्शन लिया गया है तो डेथ सम अश्योर्ड सिंगल प्रीमियम का 10 गुना रहेगा, इसलिए डेथ सम अश्योर्ड कवर अप्रोक्सीमेटली इस तरह बनेंगे। अगर हम 44 साल की उम्र के व्यक्ति का रिस्क कवर देखें तो 43,00,000 के डेथ कवर 10 साल तक चलेगा, सभी का 10 साल तक 10 गुना डेथ कवर रहेगा, मैच्योरिटी तथा डेथ क्लेम सब टैक्स फ्री आएगा। अब हम इस प्लान का तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम टर्म को बढ़ाकर 15 साल का कर देते हैं। मान लीजिए यह प्लान 15 साल के लिए 5,00,000 बेसिक सम अश्योर्ड के लिए सिंगल प्रीमियम में लिया गया है। रिस्क कवर ऑप्शन प्रीमियम का 10 गुना लिया गया है तो उसके लिए सिंगल प्रीमियम जाएगा 8 साल की उम्र के लिए ₹2,54,222, 18 साल की उम्र के लिए ₹2,65,587, 30 साल की उम्र के लिए ₹2,79,355, 35 साल की उम्र के लिए ₹3,02,057, 44 साल की उम्र के लिए ₹4,76,729, क्योंकि ऑप्शन लिया गया है तो डेथ सम अश्योर्ड सिंगल प्रीमियम का 10 गुना रहेगा, इसलिए डेथ सम अश्योर्ड कवर अप्रोक्सीमेटली इस तरह बनेंगे। अगर हम 44 साल की उम्र के व्यक्ति का रिस्क कवर देखें तो 47,00,000 के डेथ कवर 15 साल तक चलेगा, सभी का 15 साल तक 10 गुना डेथ कवर रहेगा, मैच्योरिटी तथा डेथ क्लेम सब टैक्स फ्री आएगा। मैच्योरिटी के समय पॉलिसी धारक को ₹5,00,000 के साथ लॉयल्टी बोनस भी दिया जाएगा। अब हम इस प्लान का चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम टर्म को बढ़ाकर 20 साल का कर देते हैं। मान लीजिए यह प्लान 20 साल के लिए 5,00,000 बेसिक सम अश्योर्ड के लिए सिंगल प्रीमियम में लिया गया है। रिस्क कवर ऑप्शन प्रीमियम का 10 गुना लिया गया है तो उसके लिए सिंगल प्रीमियम जाएगा 8 साल की उम्र के लिए ₹2,06,022, 18 साल की उम्र के लिए ₹2,16,811, 30 साल की उम्र के लिए ₹2,38,600, 35 साल की उम्र के लिए ₹2,75,540, 40 साल की उम्र के लिए ₹3,77,428, 40 साल से ऊपर की उम्र के लिए 20 साल का प्लान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन लिया गया है तो डेथ सम अश्योर्ड सिंगल प्रीमियम का 10 गुना रहेगा, इसलिए डेथ सम अश्योर्ड कवर अप्रोक्सीमेटली इस तरह बनेंगे। अगर हम 40 साल की उम्र के व्यक्ति का रिस्क कवर देखें तो 37,00,000 के डेथ कवर 20 साल तक चलेगा, सभी का 20 साल तक 10 गुना डेथ कवर रहेगा, मैच्योरिटी तथा डेथ क्लेम सब टैक्स फ्री आएगा। मैच्योरिटी के समय पॉलिसी धारक को ₹5,00,000 के साथ लॉयल्टी बोनस भी दिया जाएगा।
अब हम इस प्लान का पांचवा एग्जाम्पल रेगुलर प्रीमियम का देखते हैं। मान लीजिए यह प्लान 20 साल के लिए 5 लाख बेसिक सम अश्योर्ड के लिए रेगुलर प्रीमियम में लिया गया है, तो प्रीमियम 20 साल की पॉलिसी के लिए 5 साल भरना होगा। रिस्क कवर ऑप्शन प्रीमियम का 10 गुना लिया गया है, तो उसके लिए ईयरली प्रीमियम जाएगा 8 साल की उम्र के लिए 50,500 रुपये, 18 साल की उम्र के लिए 50,892 रुपये, 30 साल की उम्र के लिए 51,257 रुपये, 35 साल की उम्र के लिए 51,806, 40 साल की उम्र के लिए 52,929, 52 साल की उम्र के लिए 61,315, क्योंकि ऑप्शन एक लिया गया है तो डेथ सम अश्योर्ड ईयरली प्रीमियम का 10 गुना रहेगा। इसलिए डेथ सम अश्योर्ड कवर अप्रोक्सीमेटली इस तरह बनेंगे। अगर हम 52 साल की उम्र के व्यक्ति का रिस्क कवर देखें तो 6 लाख का डेथ कवर 20 साल तक चलेगा, सभी का 20 साल तक 10 गुना डेथ कवर रहेगा। मैच्योरिटी तथा डेथ क्लेम सब टैक्स फ्री आएगा। मैच्योरिटी के समय पॉलिसी धारक को 5 लाख रुपए के साथ लॉयल्टी बोनस भी दिया जाएगा। इस प्लान को लेते हुए यह ध्यान जरूर दे, यह पॉलिसी पूरी तरह से टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं है। इस प्लान में सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन बी तथा रेगुलर मोड में ऑप्शन दो में फुल टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपको रिस्क कवर तथा सेविंग के पर्पस से यह ऑप्शन लेने हो तभी इनका चुनाव करें। इस प्लान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यह प्लान सिंगल प्रीमियम या रेगुलर मोड में लिया जा सकता है, अधिक से अधिक 5 साल ही प्रीमियम भरना होगा, मैक्सिमम 80 साल की उम्र तक रिस्क कवर मिल जाएगा। सिंगल प्रीमियम में मैक्सिमम एंट्री एज 70 साल तथा रेगुलर प्रीमियम में 65 साल की उम्र को भी रिस्क कवर दिया जा सकता है। दोस्तों आपको यह वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।